कोरोना वायरस को लेकर देश में युद्ध जैसे हालात हैं। ऐसे में कभी न रुकने वाली भारतीय रेलवे ने भी अपना परिचालन बंद कर दिया है। ऐसे में लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय रेल अपनी ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगी। इस बीच एक खबर ये फैलने लगी कि 15 अप्रैल से पैसेंजर ट्रेनों का चलना शुरू हो जाएगा और ये भी कि रेलवे स्टेशन में एंट्री से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले यात्रियों को स्टेशन पर आना पड़ेगा। ऐसी खबरें आने के बाद रेलवे ने इन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है। रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पिछले 2 दिनों के दौरान ट्रेनों के संभावित यात्रियों के प्रोटोकॉल जैसी खबरें और मीडिया रिपोर्ट्स गलत हैं। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में आखिरी निर्णय लिया जाना बाकी है और इस तरह के मामलों पर पूर्व परिपक्व रिपोर्टिंग ऐसे असाधारण समय में जनता के मन में अनावश्यक और अटकलें पैदा कर रही हैं। रेल मंत्रालय ने सभी मीडिया संस्थानों को सलाह भी दी है कि अपुष्ट और असत्यापित मामलों के आधार पर प्रकाशन से बचें और गलत खबरें ना चलाएं। कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन के बाद ट्रेन सेवाएं शुरू करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है और जब भी भारतीय रेलवे कोई फैसला लेगा तो इसकी जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ पीआईबी के डीजी ने भी मीडिया में चल रही ऐसी गलत रिपोर्टों पर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी अफवाहें ना फैलाई जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स हैड बीन देयर अबाउट वेरियस रेलवे प्रोटोकॉल्स and prospective travelers by the trains. This premature reporting is leading to unnecessary and avoidable speculations. All concerned would be intimated at appropriate time. भारत सरकार कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए हर कोशिश तो कर ही रही है और साथ ही इस दौरान फैल रही अफवाहों पर बार बार ध्यान ना देने की अपील भी कर रही है।